अफगानिस्तान में यूएन का सहायता मिशन मार्च 2024 तक चलेगा। यूएन सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से अपनाया अफगानिस्तान पर दो प्रस्ताव। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अदालत में पेश होने का फरमान। लाहौर कोर्ट ने इमरान और उनके समर्थकों को लगाई फटकार। इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ी। दर्ज हुई नई एफआईआर। लाहौर में पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मामले में कार्रवाई। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप। बोले जेल में करना चाहते हैं मर्डर। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का राष्ट्रीय एकता का आह्वान। इमरान बोले बातचीत के लिए तैयार। ब्रिटेन के सरकारी कर्मचारी और मंत्री नहीं कर सकेंगे टिकटॉक का इस्तेमाल। सरकारी फोन पर नहीं चलेगा टिकटॉक। अमेरिका ने टिकटॉक के चीनी मालिकों को अपना हिस्सा बेचने को कहा। आदेश ना मानने पर ऐप पर प्रतिबंध लगाने की धमकी। काला सागर यानी ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन क्रैश को लेकर पेंटागन का शक। ड्रोन का मलबा बरामद करने की कोशिश कर रहा है रूस। उत्तर कोरिया ने हाल ही में मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें की जारी। गुरुवार को किया गया था मिसाइल लॉन्च। तस्वीरों में नेता किम जोंग भी दिखाई दिए हैं। कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से फसलें बर्बाद। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के एरिजोना में काम पर लौट रहे स्थानीय लोग। गुरुवार को निकासी के आदेश हटाए गए। अगले हफ्ते नए तूफान का अंदेशा। अमेरिका के यूटा की एक नदी में आया उफान। आसपास के इलाकों में भरा पानी। लोगों को हो रही भारी परेशानी। पेरू की राजधानी लीमा में ढही एक 3 मंजिला इमारत। बारिश की वजह से हिली घर की नींव। लीमा में अब तक 3,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। पेरू में साइक्लोन याकू ने मचाई भारी तबाही। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पेरू में लैंडस्लाइड के दौरान बहा बच्चा। जान पर खेलकर पड़ोसियों ने बचाई बच्चे की जान। पेरू में याकू चक्रवात की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत। पेरू में याकू चक्रवात से बिगड़े हालात। लगातार बारिश की वजह से पानी से लबालब भरी सड़कें। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। मलावी में फ्रेडी तूफान से मची तबाही। 225 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। 22 मार्च से होगी यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। ताजिकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि के ने सम्मान को लेकर जताई उम्मीद। फ्रांस में नए पेंशन बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा। पेरिस में सड़कों पर उतरे 2,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। एथेंस में ट्रेन क्रैश को लेकर प्रदर्शन। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप। पुलिस ने क्रेन से प्रदर्शनकारियों को किया तितर बितर। ग्रीस में पिछले महीने हुए रेल क्रैश को लेकर लोगों में गुस्सा। रेलवे कर्मचारियों ने एथेंस में निकाला विरोध मार्च। चिली में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की। कोलंबिया में कोयला खदान में ब्लास्ट के मामले में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में उग्रवादियों पर अटैक। हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक में मारे गए फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार। इजरायली आर्मी की रेड में 4 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद छाया मातम। ग्वाटेमाला में मूवमेंट फॉर पीपल्स लिबरेशन की राष्ट्रपति उम्मीदवार का पर्चा खारिज। पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन जारी। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। तेल अवीव में पुलिस ने हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाया। न्यायपालिका में बदलाव को लेकर सरकार के प्लान का विरोध। इजरायल में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर सरकार विरोधी प्रदर्शन में ले रही हैं हिस्सा। हैंडमेड स्टेल की तर्ज पर सफेद कपड़े पहनकर जताया विरोध। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बर्लिन दौरा। जर्मनी दौरे पर नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की हंगरी के पीएम ओरबन से मुलाकात। तुर्क राज्यों के संगठन के एक शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे ओरबन। पूर्वोत्तर ब्राजील में छिड़े घातक दंगे। जेल में बंद गैंग सदस्यों पर दंगे भड़काने का शक। कई जगह फायरिंग और आगजनी की घटनाएं। इलाकों में हालत नाजुक है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में पटरी से उतरी ट्रेन। 19,000 लीटर डीजल बहा। हादसे की जांच जारी है। रूस और यूक्रेन में और तेज हुई जंग। बखमुत में मोर्टार और तोपखाने से हमला।
रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को और मदद देगा पोलैंड। राष्ट्रपति डूडा ने यूक्रेन को 29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। यूक्रेन से अनाज के निर्यात को लेकर समझौते को 120 दिन बढ़ाने की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र ने किया समर्थन। रूस ने कहा सिर्फ 60 दिनों के लिए दी जाएगी इजाजत। पुतिन ने ब्रेकअवे साउथ ओसेतिया के प्रमुख से की मुलाकात। गागलोव ने पुतिन की मदद के लिए जताया आभार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन। कहा रूस पर कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से दबाव बनाए रखना जरूरी है। मरियोपोल थिएटर बमबारी में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कीव में मारे गए लोगों को किया याद। मरियोपोल थिएटर बमबारी के पीड़ितों को जेलेंस्की ने दी श्रद्धांजलि। पिछले साल थिएटर पर रूसी अटैक में मारे गए थे कई नागरिक। जेलेंस्की ने कीव में लातविया के पीएम से की मुलाकात। लातविया के समर्थन के लिए जताया आभार। साल्वाडोर की मेगा जेल में शिफ्ट किए गए 2000 कैदी। क्राइम विरोधी अभियान में 64,000 से ज्यादा संदिग्ध किए जा चुके हैं गिरफ्तार। चिली में बर्ड फ्लू का प्रकोप। चिली प्रशासन ने खतरे को देखते हुए 40,000 मुर्गों को किया दफन। बोलिविया के पटोसी में लिथियम माइनिंग को लेकर प्रदर्शन। स्थानीय लोगों के लिए बेहतर लाभ और रॉयल्टीज की मांग की गई। मॉस्को के चिड़ियाघर में मनाया गया पांडा दिवस। चीन से तोहफे में आए दो पांडा को कई खास तरह के व्यंजन किए गए पेश। सैन एंटोनियो जू में पेड़ टूटने से 7 लोग घायल हो गए। एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। कोलंबिया के एक जू में एंडियन बियर कब का जन्म। असुरक्षित प्रजातियों की लिस्ट में शुमार है एंडियन बियर का नाम। जापान में चेरी ब्लॉसम्स की बहार। टोक्यो में दुनिया भर से पहुंच रहे पर्यटक। स्थानीय लोगों में भी चेरी ब्लॉसम सीजन को लेकर उत्साह है। चिली के एक कपल का वेडिंग फोटो शूट वायरल हो चुका है। शूट के लिए चुना एंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर पैटागोनिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पेशेवर सर्फ ब्लेक जॉनसन ने तोड़ा सर्फिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे लंबे समय तक की सर्फिंग। Zee News.